तो आज जो मैं चीज़ें इनलिस्ट करने वाली हूँ वो अगर आप अपने रूटीन में फॉलो कर लेते हैं अपने रूटीन में ले लेते हैं तो यू आर गोइंग टू तो डू सो मच बेटर इन दिस ऑनलाइन सिनारीो और मैं अपनी ही वीडियो को अपोज ना कर दूँ इसलिए आई एम गोना मेक इट सो पॉइंट टू तो पॉइंट प्रिसाइज एंड रियल इनफ मतलब नो कार्ट्स नो एडिट्स एंड वी आर टॉकिंग फेस टू फेस हम एकदम जो मैं कह रही हूँ वो पूरा आप तक पहुँच रहा है कुछ भी एडिटिंग नहीं है इसमें and this uh, discussion of the online mode reminds me of the covid scenario we have we are in so i hope ki aap sab log ekdam safe ho aap sab log ekdam healthy ho and uh, i hope ki aapke liye vaccines aa jaye matlab below 18 ke liye and we all get vaccinated and we all remain healthy okay so coming to the point of this video ऐसा होता है ना कि coming to the core point directly the core point of the headline of the वट डू वी से थम नेल ऑफ़ द वीडियो कि ऐसा होता है जब भी हम किसी सीनियर से या किसी टीचर से या कोई भी एडवाइस लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर आ जाती है कि नाव जो अब वाली बैचेस है वो पिछली बैचेस की तरह ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडी नहीं कर पा रही है मतलब वी डू नॉट हैव सम कोचिंग्स और स्कूल्स जहाँ पे हम जाकर अटेंड कर सके जहाँ पे हमें वो इन्वायरमेंट मिले तो आधी प्रॉब्लम्स अराइज़ ही वहाँ से हो रही है एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स तो आज मैं सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाली हूँ जो इस पूरे लॉकडाउन सिनारी की वजह से क्रिएट हुई है सो स्टार्टिंग विद द थिंग कि मैं डायरेक्टली बस पॉइंट्स एंड लिस्ट करने वाली हूँ एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स आई से टू ठीक है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि अब हम हमारा शेड्यूल बहुत फ्लेक्जिबल कर चुके हैं जैसे कि कब सोकर उठना है कितना सोना है कब वीडियो देखना है कब पढ़ाई करना है कब नहीं करना है कब खाना खाना है सब कुछ हमारे हाथ में और इस वजह से चीजें बहुत इनडेफिनेटली हो रही है तो फर्स्ट थिंग कि वी नीड टू मेक अ डेफिनेट शेड्यूल नीड टू नो कि हम कब क्या करने वाले हैं मतलब टाइम मैनेजमेंट तो सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट ओके सो इन दिस टाइम हमें हमारा टाइम अच्छे से मैनेज करके रखना है और हर रोज़ की एक टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए मतलब आज के दिन में मुझे ये ये ये, ये काम करना है या फिर आप हफ़्ते की बना लीजिए कि इस हफ्ते में मुझे ये ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और उस पर चेक लगाते जाइए उससे आपको फ़ील होगा कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको चेक मिलते जाएगा कि आपने पिछले तीन दिन से ये काम नहीं किया है या फिर आपको आ, आप अच्छा कर रहे हैं जो आपने सोचा है उसमें ओके सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट कि हमें टाइम मैनेज करके रखना है अच्छे से मूविंग ऑन टू माय सेकंड पॉइंट कि आ, अब हम कट चुके हैं बहुत सारे सर्कल से मतलब जो मैं इन्वायरमेंट की बात कर रही थी यू डोंट हैव दैट इन्वायरमेंट आप कमरे में अकेले बैठे हैं और स्क्रीन के सामने कुछ देख रहे हैं अकेले बैठ के नोट्स बना रहे हैं आप एक क्लास में नहीं बैठे हैं पचास अलग बच्चों के साथ जो हर कोई सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो एक कॉम्पिटिटिव माहौल हो ठीक है इसलिए हमें कम्युनिकेट करना है और हमें कनेक्टेड रहना है आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहें आप हमसे बहुत आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं मेर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वी प्रोवाइड और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ या टीचर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड आपको बस कनेक्टेड रहना है आप को किसी को फॉलो अप देते रहना है अपना ताकि आप ट्रैक पे बने रहें और उससे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो व्हाट वाज माय सेकंड पॉइंट कम्युनिकेट एंड कनेक्ट सो यू नीड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद द पीपल जो आपकी जर्नी में आपके साथ हो बीट योर पेरेंट्स बस आपको किसी को लूप में रखना है कि क्या चल रहा है क्या बचा है क्या करना है और आप कितने पानी में है ओके सो मूविंग ऑन टू माई थर्ड पॉइंट कि अब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हम डिनर टेबल पे बैठे हैं हम खाना खाते खाते लेक्चर देख रहे हैं या फिर हम सोफे पे बैठे हैं पीछे गाने चल रहे हैं टीवी चल रहा है और uh, हम लेक्चर देख रहे हैं तो उससे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं रह पाती हैं और ये तो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो हमारी एक स्टडी स्पेस जब होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है और हम बहुत ज़्यादा वाइब में रहते हैं कि अब हमें क्या करना है आ, जैसे अगर अपना एक कॉर्नर होता है अगर अपनी एक टेबल होती है जैसे ऑनलाइन मोड में आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो उस जगह पर आपके पास आपकी शांति हो उस जगह पर और आप लोग कंफर्टेबल हो उस जगह पर इसलिए आपने अपने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं या नोट्स हैं वो आसपास रख रक रखे हैं सारे आपके नोट्स नोटबुक्स एन आपने पास में स्टैक करके रखी हुई है तो वो एक आपकी स्पेस है वो कॉर्नर आपका कॉर्नर है एंड दैट हेल्प्स अ लॉट टू स्टडी पीसफुली तो ये बात तो मैं विथ एक्सपीरियंस भी कह रही हूँ अगर ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो आपकी एक स्पेस होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सो द थर्ड थिंग वॉज स्टडी स्पेस मूविंग ऑन टू माई फोर्थ पॉइंट कि ये तो एक बहुत बड़ा जोक कह लो या मीम्स भी इसके बारे में हमको देखने को मिले कि 2020 से पहले जिन चीज़ों से दूर रखा जाता था स्टूडेंट्स को एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को वही अब हमारा सोर्स है पढ़ाई करने का इंटरनेट लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी वही अब हम उसी के बेसिस पे बस पढ़ पा रहे हैं हो सकता है कि तब मैं इतना यूट्यूब देखती ही नहीं थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी बट आज आप लोगों को लेक्चर्स ही यहीं पर मिल रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शनस होते ही हैं हो सकता है ये वीडियो तो अगले पाँच मिनट में खत्म हो जाएगी पर अब अपनी स्क्रीन से दो घंटे बाद उठेंगे दस अलग चीज़ें देख और ऐसा होता भी होगा तो हमें हमारे डिस्ट्रैक्शनस को एलिमिनेट करना है और उस वजह से हम इंटरनेट या लैपटॉप या यूट्यूब देखना नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वहीं से हमको जो चीज़ें चाहिए वो भी मिल रही है पर वहीं जितना नॉलेज है उससे टेन टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है अब वो हम कैसे कर सकते हैं एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन सो हाउ डू वी एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें आप जो इनपुट सेटिंग डालो उसके हिसाब से वो दूसरे ऐप्स को दूसरी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देंगे हो सकता है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करेंगे हो सकता है ब्लॉक्ड रखेंगे और वो सब कुछ आपके हाथ में होता है तो इफ़ योर डीमंस कम इन साइड यू और कभी कभार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप ख़ुद से पहले से एक ऐप रख सकते हैं जो आपके बाकी सारे ऐप्स को कंट्रोल कर ले या तो आप उस पर टाइम लिमिट लगा सकते हैं कि एक दिन में इतना वापरना है या फिर आप अपने हिसाब से वो पूरा का पूरा मैनेज uh, कर सकते हैं सीन बट यू कैन एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन एंड इट इज़ ईजी टू डू सो इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि uh, हमें अपना ध्यान पूरा रखना है ओके यू नीड टू स्टे हेल्दी यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड यू नीड टू हैव प्रॉपर मील्स ऑन प्रॉपर टाइम मम्मी अगर आप पढ़ रहे हो और कुछ ला कर दे रही है तो बिना नखरे के खा लो नहीं ला कर दे रही है गुस्सा है तो खुद लेकर आ जाओ किचन से और ध्यान रखो खुद का क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे से तभी पढ़ पाओगे मन लगाकर अच्छे से तभी पढ़ पाओगे जब हेल्दी हो गए बोथ मेंटली एंड फिजिकली बोथ फिजिकली एंड मेंटली कोर्स तो मुझे मेंटली पे स्ट्रेस देना था तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं और यू कैन नॉट वर्क इफ यू आर ग्रोइंग लॉट हेल्दी तो मतलब हेल्दी इन द सेंस आई टॉकिंग बी अदर वे Uh, मतलब हमें खुद की बॉडी का ध्यान भी रखना उतना ही ज़्यादा नेसेसरी है जितना हमें पूरे टाइम पढ़ते रहना पूरे टाइम तो नहीं बट uh, जितने टाइम जरूरी है उतने टाइम पढ़ते रहना जरूरी है ओके सो मै फिफ्थ पॉइंट हुआ सेल्फ केयर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू नीड टू सेलिब्रेट योर लिटिल विक्ट्रीज योर हार्ड वर्क योर एफर्ट्स मतलब आप खुद को रिवॉर्ड uh, देते रहिए टाइम टू टाइम आपने जो सोचा था आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उस पर चीजें चेक होने के बाद आप खुद को जिससे भी आपको खुशी मिल रही हो आपको मूवी देखना हो कुछ सोच के रखा हो कि यार ये करना है पर पढ़ाई की वजह से कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ वो चीज़ कर लो या घूम के आ जाओ थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ टी वी देख लो सबके साथ बैठ के मतलब जो भी आपका रिवॉर्ड हो आपके खुद के लिए वो आप खुद को रिवॉर्ड देते रहो मतलब हमें एग्जॉस्ट uh, नहीं होना है पड़ते पढ़ते हम मेंटली या फिज़िकली अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे तो हम प्रिपेयर थोड़ी कर पाएंगे हमें एग्ज़ाम इन आर माइंड्स इन आर स्टेबल एंड साउंड कंडीशन देना है ना तो हमें हर तरीके से एकदम फिट होना है मतलब टेक ब्रेक्स टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स अपने शेड्यूल में आप ब्रेक भी रखो हमें एंडलेसली या टायरलेसली टायरिंग वे में वर्क नहीं करना है ए आई आर वन नहीं आएगी उससे कुछ नहीं मिलेगा उससे उससे आप बस परेशान हो जाओगे और आप ज़्यादा लंबा काम ही नहीं कर पाओगे तो अभी हमें एक लंबे रेस का घोड़ा बनना है अभी हमें बहुत चलना है तो यू नीड टू शेड्यूल योर सेल्फ सम ब्रेक्स टू ओके सो माई लास्ट पॉइंट वॉज टेक ब्रेक्स टेक ब्रेक्स या फिर रिवॉर्ड योर सेल्फ या फिर सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क सो दीज वर सम सिक्स पॉइंट्स जिसका आप ऑनलाइन मोड में बिल्कुल ध्यान रखो एंड आई uh, अगर आप लोग इलेवेंथ स्टैंडर्ड के जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो सो आई टेक केयर ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ इलेवेंथ स्टैंडर्ड जे ई एंड आई विथ माई टीम जे पढ़ले इलेवें ऑन द चैनल पढ़ले इलेवन थीजेट टेक केयर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर जेई एंड नीट सो डू पे अस विजिट देयर डू चेक आवर ऑफिशियल वेबसाइट पड़े डॉट कॉम डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको इधर एक भी चीज़ ऐसी लगी हो जिससे आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड गिवस आर गिवस मोव्यूज थैंक यू गुड डे टेक केयर एंड पी सर्ट